एक टंकी से लोग पानी पीते थे, और दूसरा आरोप है कि हाँ टीचर का मटका था और उससे उसने पानी पिया, पिटाई हुई, मौत हुई। जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग है वो अपने में ही कैटेगरी बांट के बैठे हैं, वहाँ शादी नहीं करते हैं। 70 साल में आरक्षण लेके कितने जो दलित भाई हैं वो शरण बने हैं। मैंने इतनी जगह देख ली, सारी जगह अधिकतर ऊपर पाओ ये सीबीसी वाले अधिकार और सारे खा है। जो घोटाले करते हैं वो अपर कास्ट है। ये हमारे बच्चे 235 नंबर लेके फेल है भाई, उनके सुन पे भी पास है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत ही बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एससी एसटी ओबीसी जो एक्ट है, वो आरक्षण जो लेकर लोग बैठ जाते हैं बताया जा रहा है इनके द्वारा, तो उसी का ही विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी इन्हीं लोगों से पहले जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? ये रामानंद त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, ये बताइए कि आपका ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए जी। हम आरक्षण का विरोध करते हैं, और आरक्षण को किसी भी सिरे पे हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आरक्षण का? उसको एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए कोई विधानसभा सीट है जो कि आरक्षित है, ठीक, वहाँ पे मान लीजिए कई वर्षों से आरक्षित है, 25-30 सालों से आरक्षित है। एक आरक्षित वर्ग का कोई चुनाव लड़ा, जो भी चुनाव लड़े, कई लोग लड़े, एक कोई जीत गया वहाँ से। वो अच्छा, हमको ये बताया गया, संभवतः आपको ही बताया गया होगा कि आरक्षण का उद्देश्य है कि वंचित और पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जाता है। अच्छा। उसी आधार पे उनको आरक्षण दिया गया और आरक्षित सीट से चुनाव जीत गए। तो बरसों से जो है जाति, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, वो चुनाव जीत गए, आपको क्या लगता है कि अब भी उनको आरक्षण की जरूरत है? जरूरत, अगर जरूरत नहीं है तो उनको अगले चुनाव में किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, और वो आरक्षित से कोटा जो है किसी अपने भाई बंधु किसी को जरूरतमंद को दे देना चाहिए, तो एक व्यक्ति और अगले चुनाव में मुख्यधारा से जुड़ जाता। लेकिन ऐसा हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति बार बार एक ही चुनाव से आरक्षित सीट से चुनाव लड़ करके और किसी न किसी का हक मार रहा है, तो फिर आरक्षण का लाभ कहाँ मिल पा रहा है? कहाँ लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है? तो फिर ऐसे लोगों को हम इसके धारा से कहाँ जुड़ रहा है लोग, ये बताइए आप मुझे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ही विरोध कर रहे हैं वर्षों से, जातिगत ढांचे के आधार पर ही तो आरक्षण दिया जा रहा है। जब कभी दिया गया था संभवतः तब ठीक रहा होगा, लेकिन आजकल तब ठीक रहा होगा, अब ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं ठीक है। क्यों ठीक नहीं है? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब कभी कोई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जीतती या हारती हैं, संभवतः जब हारती है, छोड़िए ना आप, मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कोई भी मतलब काम आदमी करता है, कितना जाति के आधार पर वहाँ पर जो है बैठा हुआ है, या बताइए आप एससी एसटी ओबीसी कितना सरकार में बैठा हुआ है, आप ही बताइए। अरे 49.5% आरक्षित है, 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी समाज से आती है, एसटी समाज से आती है, तो उनका भी विरोध कर रहे हैं? यानी मैं आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ। राष्ट्रपति आ रहे हैं नहीं, आप कह रही हैं ये चीज ना, मैं आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ, मैं आरक्षण को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए क्यों आरक्षण का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा है। आरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं, आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो भी समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको उनके मुख्यधारा से जोड़ा जाए। और ऐसा क्या आप धारा में आने कहां दे रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने कहा रोका, इतना तो उनके साथ जातिगत भेदभाव कर देते हैं आप। नहीं, अब आप प्रश्न आप बदल रही हैं, एक बिंदु पे कहां बदल रही हैं, एक बिंदु पे आइए। जातिगत भेदभाव नहीं होता है उनके, भेदभाव अलग चीज, अभी अभी उस पे भी आप पूछ लीजिएगा। आरक्षण आरक्षण आप लोग बोल रहे हैं, आरक्षण पे, आरक्षण की बात कर रहे हैं, पिछले जितने वर्षों से लगभग। मेरे को ये बताइए, राजस्थान में जो पानी छूने के लिए उसको इंद्र मेघवाल जो था उसको जाति के आधार पर ही तो मारा गया कि बोला गया जा ये दलित है? अब आप ये देखिए, उसको देखिए कि तमाम मीडिया वालों ने पहले ये कहा और बाद में अपनी बातों को बैकफुट पे ले लिए। वहाँ पे आप लोग आप प्रमाणित कर पाए, क्या प्रमाणित आप या मीडिया वाले कोई प्रमाणित कर पाए कि उसे घड़ा छूने की वजह से उसको पीट के मार डाला गया? अरे भाई साहब, कितना आप टीवी मीडिया नहीं देखते? आपका टीवी मीडिया दिखा रहा है। हम आपकी ही मीडिया को देखते हैं। हाँ।
कि जो लोग कह रहे थे कि ऐसा हुआ वही लोग बैकफुट पे आ गए, साबित हो गया है। फिर उसको उसको वहाँ से क्यों सस्पेंड किया गया, हटाया क्यों गया? उन्होंने अपना वो जाति के आधार पर मटका अलग रख रहे थे, वो अध्यापक वही हटा लिया गया। कहाँ से न्यूज हटाया गया, कहाँ ले जा रहे हो यार? जो न्यूज हटाया गया वही की बात, वहाँ कहाँ प्रमाणित आप कर पा रही है? अच्छा ये बताइए, अभी लखीमपुर में दो दलित बहनों को एक साथ मार दिया गया, अब वो भी जातिगत आधार पर मारा गया। मैं पहले आरक्षण की बात कर रहा हूँ भाई साहब, एक बात बताइए, बात कर रही हैं, सुनिए ना, आरक्षण आरक्षण उन्हीं को ही तो मिल रहा है ना, SC ST OBC जो दलित पिछड़े समाज से आ रहे हैं। आप मेरे प्रश्नों को या तो समझ नहीं पा रही हैं। मैं समझ रही हूँ आपके प्रश्नों को, मैं भी वही कर रही हूँ, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं हाँ हम बोल नहीं पा रहे, आपको लगता होगा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर बात है मैं वो कह रहा हूँ कि आरक्षण जो है वो आज के परिवेश में सही नहीं है। मैं कुछ बोलने जा रहा था, आपने रोक दिया। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, इवन राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, जीतती हैं, हारती हैं तो वो अपना समीक्षा करती हैं कि चुनाव हम क्यों हार गए, किन बिंदुओं पे हमारी कमी रह गई। चुनाव पे नहीं ला जा रहे हैं आप, पार्टी नहीं ला रहे हैं बीच में। मैं पार्टी को छोड़ देता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है, एक व्यक्ति की बात कर लीजिए, और अगर वो सफल नहीं होता अपने काम में तो अपने घर में बैठ के समीक्षा करता है, चर्चा करता है कि हम कहाँ पे फेल हुए हैं, क्यों फेल हुए हैं। जब विरोध कर रहे हैं तो क्या आपको भी आरक्षण चाहिए? अब मेरी आप बात सुन लीजिए पूरी बात, आप बीच में काट देती हैं, मुझे मैं जो कहना चाहता हूँ सुनती नहीं। जब समीक्षा हर व्यक्ति करता है अपने घर में, कोई भी कार्यक्रम करता है, क्या 10 साल के लिए आरक्षण जो बढ़ा दिया गया कोई समीक्षा हुई कि आरक्षण बढ़ाना चाहिए, कोई समीक्षा हुई? यदि समीक्षा नहीं हुई तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी थी? आप लोगों को भी ये बात रखनी चाहिए थी कि ये 10 साल के बढ़ाया जा रहा है और निरंतर कई वर्षों चलते चला आया है, तो इस पे समीक्षा करनी चाहिए थी। अच्छा, आप लोगों के द्वारा कभी ऐसी बात की गई? हमारे द्वारा तो बिल्कुल आवाज उठाई जाती है। नहीं हम जो कह रहे हैं, जो दस साल के लिए बढ़ा दिया गया, अभी प्रधानमंत्री ने हमारे बढ़ाया है, उसमें आपने कभी बात उठाई कि समीक्षा करके बढ़ाया जाए? समीक्षा कर लिया जाए आवश्यक हो तो बढ़ा लिया। आप लोग जातिगत जनगणना करने के लिए तैयार होते हैं क्या? गवर्नमेंट जो भी कहती है, हम लोग जातिगत जनगणना करते हैं क्या? हम कहते हैं गवर्नमेंट जातिगत जनगणना जिस दिन आप लोगों ने कर ली ना, हकीकत आंकड़े आ जाएंगे। अगर हम क्यों करेंगे? हाँ। हम क्यों करेंगे? आप चुनाव की बात करें तो चुनाव की नहीं, बात कर ले। नहीं जनगणना कौन करता है, कौन करवाता है? हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं? हर 10 वर्षों पे जनगणना होती है। 1981 लास्ट हुई थी, उसके बाद हुई है क्या? हर 10 वर्षों पे जनगणना की जाती है। जनगणना से आप बचते क्यों हैं ये बताइए? हमने कहा जनगणना कराना किसका काम है, कौन करवाता है, आप बताइए कौन करवाता है? ये बताइए मुझे, गवर्नमेंट ही तो करवाती होगी। आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो EWS सुदामा कोटा क्यों चाह रहे हैं फिर? हम नहीं चाह रहे हैं, हम बिल्कुल आपके सुप्रीम कोर्ट और जो लोग हैं आपको जबरदस्ती थोप दे रहे हैं के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें EWS नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए। तो सबर्ण ने कब मांग तो भाई किया? सुप्रीम कोर्ट में बात सुनिए, सबर्ण ने कब मांग किया? कौन एक भी आंदोलन बताइए कि उसने आरक्षण के लिए मांग किया हो, ट्रेनें जलाई हो, सड़कें तोड़ दिया हो, ट्रेन की पटरियां हुआ है। आरक्षण क्या बात कर रहे हैं? सबर्ण ने कब मांग किया बताइए आप? सबर्ण भी बहुत बहुत सामने आ रहा है। तो BMW किसके घर में खड़ा होता है? दलित के घर में खड़ा होता है, वो आरक्षण कर रहे हैं। पटरियां तोड़ दी थी। देखिए आप हमको भटका रही है, भटका रही मुद्दे से। कहते हैं जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है उसको आप हटा दीजिए। आपको नहीं चाहिए ना, आप गरीब नहीं तबके से आते ना। मत कीजिए, गरीब की बात में नहीं। हाँ। गरीब आप शोषित वंचित में आते नहीं है ना। गरीब हर तबके में होता है, शोषित वंचित हर तबके में होता है, ऐसा नहीं है। नहीं चाहिए ना आपको? अरे भीख के तौर पे आपको EWS नहीं चाहिए तो लौटा दीजिए। भीख सब इस्तेमाल करती है, मुझे ये बुरा लगता है। हमने भी कभी नहीं कहा। आप कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं, तो भैया कौन लोग हैं जो आपको जबरदस्ती दे रहे हैं? 10% की बात आपने कही ना। आप हमारे किसी भी बयान को देख लीजिए, हमने या सवर्णों ने 10% के आरक्षण की मांग कभी की नहीं है। ये तो लालीपाप फेंक दिया गया है। तो कौन लोग दे रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट में नया नया अभी मैटर चल रहा है लगातार। ये तो मैटर खड़ा कर दिया गया है केवल ना भाई, कर दिया गया है। क्यों खड़ा करा गया है? आप बताइए 10% की मांग किसने की थी? हाँ। किस सवर्ण ने की थी? हाँ। जब दिया गया तो ये क्यों चल रहा है सुप्रीम कोर्ट? आप ये बताओ, पहले पूर्व में चलिए। हाँ। वर्तमान में तो बाद में चलेंगे। हाँ। पूर्व में चलिए, देखिए। हाँ। चलो आओ, और भी क्या नाम है आपका? गुलशन तिवारी नाम है। हाँ। ये आरक्षण की अभी मैंने इनसे बात पूछी कि EWS बोल रहे हमें चाहिए ही नहीं, तो भाई कौन लोग हैं जो आपको जबरदस्ती दे रहे हैं? देखिए थोड़ा दूर रखो, देखिए हमारे समाज में
ऐसा नहीं कि किसी विशेष समुदाय के सबकी एक जैसी सोच है, चाहे वो पिछड़ा तबका हुआ या जो सो कॉल्ड अगड़ा तबका हुआ। हम लोगों का जो स्टैंड है कि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है, चाहे EWS हो, चाहे जो भी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, एक पक्ष कहता है कि जब जाति के आधार पर लंबे समय से शोषण हुआ तो जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा स्टैंड है कि जो लोग पिछड़े हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, वो सब तबके में हैं। इतिहास में उलझने से अच्छा है आज देश में वो व्यवस्था नहीं, राजतंत्र नहीं है। आज आपको वोट की अच्छा, भी सबको आप ही कह रहे हैं सब सामान्य हो जाना चाहिए। सब सामान्य हो नहीं सकते, जिस तरह एक घर के बच्चे सामान्य नहीं हो सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आप सामान्य नहीं हो सकते। जैसे हम आप खड़े हैं, आप सामान्य, हम आप सामान्य नहीं। देखिए कितने लोग, कोई सामान्य नहीं है सब। आप तो भाई, आप सुनिए ना, आप तो अब क्या नाम बताया आपने, क्या जाति से हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति से हैं आप तो भाई, मंदिर में घंटी बजा के बैठ जाएंगे, पंडित बन जाएंगे, आपको तो पंडित मिल जाएगा, आप बैठ जाएंगे। किसी दलित को बैठा देंगे क्या? मंदिर की चाबी मिल जाएगी, मंदिर में बिठाएंगे किसी दलित को आप? हाँ बिल्कुल बिठा सकते हैं, बिठा देंगे। आप कैमरा पे बोलते हैं सामने, तो वहाँ उसको मार पीट दिया जाता है। अभी नवरात्रि चल रही है, झूठ मत बुलवाइए, देखिए कैमरे के सामने नवरात्रि चल रही है, किसी दलित ने दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा माँ की मूर्ति उठा ली, उसको इतना मारा बेरहम। हाँ वो खबर चली कि 60,000 का उस पर फाइन भी लगाया गया था, तो क्या हम उसके पक्षधार हैं? बताइए क्या मैं कह रहा हूँ सही है? वो लोग हैं, जो लोग करते हैं उनसे जाके प्रश्न कीजिए। जो करते हैं आप उनसे, ब्राह्मण जाति का संस्कारी होता है। हाँ बिल्कुल संस्कारी, रेप कर देते हैं, बिल्किस बानो का रेप करके। अच्छा ये बताइए, जो रेप करते हैं ब्राह्मण हो गए? हम वो ब्राह्मण नहीं मारते भाई, वो जो करके आए हैं। एक आपके बीजेपी नेता बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है, या तो हम शांत हो, आप प्रश्न कीजिए, मैं बोल लूं। अच्छा आप बोलिए पहले। मैं ये कहना चाहती हूँ, बिल्किस बानो का जो रेप किया गया वो ब्राह्मण जाति, उनको रेप का एक्ट लगा हुआ है, मारा गया उसकी बेटी का और छोड़ा और माला पहनाई जा रही है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, नोट कीजिए, मैं बिल्किस बानो के जो भी दोषी हैं उनकी रिहाई का समर्थक नहीं हूँ, उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अब आपका क्या कहना है? आप एक जन कह रहे हैं, लेकिन जो लाखों ब्राह्मण हैं वो तो उनकी जाति का समर्थन कर रहे हैं। हमारी बात समझिए, यहाँ जितने लोग बैठे थे सबका इंटरव्यू आप लीजिए, समाज में 10% आपको इंटेलेक्चुअल लोग लगेंगे, 90% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जनमत, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन जिन्होंने वास्तव में तस्वीर देखी है, अब जैसे सेब को तस्वीर में देखने में वो खाने में अंतर होता है। आप अभी जालौन वाला मामला आप ही बता रही थी, इंद्र मेघवाल का हुआ, जातिगत को लेके। अब देखिए जैसे एक मैं वहाँ था नहीं, मैं न दावे से कह सकता हूँ क्या हुआ। जो आप लोगों की रिपोर्टिंग सामने आती है उसी पर हम लोग अपनी राय बनाते हैं। देखिए भैया फला चैनल के माध्यम से बात सामने आई है, तो एक बहुत एक चैनल, एक तबका ये कह रहा है कि भैया वहाँ पर पानी पीने की जो व्यवस्था थी वो एक ही थी, एक टंकी से लोग पानी पीते थे, और दूसरा आरोप है कि हाँ टीचर का मटका था और उससे उसने पानी पिया, पिटाई हुई, मौत हुई। तो वो तो जांच का विषय है, जांच में अगर टीचर दोषी पाया गया है तो टंकी नई बनवाई थी, नया प्लास्टर किया गया है, जब वो निकाला तो टीचर को सजा मिली, उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया, उसके बाद सजा कहाँ मिली है? सजा दिलाने का कार्य आपको करना है, हमको करना है, हम लोग आवाज उठाएंगे अगर आप ही लोग के पूरा कानून में आप ही लोग के बैठे हुए हैं। आप हमसे प्रश्न कर रही है, हमारी बात करिए, दुनिया की बात मत करिए। जातिवादी लोग ही बैठे हुए हैं, पूरा कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा? बहन जी हमारी बात सुनिए, जाति समस्या नहीं है, जैसे हर धर्म के लोग हैं हम लोग उनको स्वीकार करते हैं, किसी का अपमान। आरक्षण समस्या है, आरक्षण समस्या है किसके लिए? किसके लिए है वही मैं जानना। देखिए आरक्षण चाहिए क्यों? आरक्षण इसलिए चाहिए जो समाज का वंचित तबका है उसको हम मुख्य धारा से जोड़ दें। उसका मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या आप रोटी बेटी का नाता जोड़ेंगे? रोटी बेटी का नाता क्यों नहीं जोड़ेंगे? खाना खाएंगे एक दलित के घर। अरे क्या बात करते हैं आप, बफर सिस्टम होता है खाना बनाने, खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे? बुलाइए आमंत्रित कीजिए, उसको मार देते हैं। आमंत्रित कीजिए,
आमंत्रित आप कैमरा के सामने आप लोग इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं, पीछे आप लोग मार देते हैं। ये तो आप अपनी बात से विफल हो जाइए तो फिर कहिए आप ऐसा कह रहे हैं, ये गलत बात। आप आमंत्रित कीजिए, चाहे दलित के यहाँ, चाहे भंगी के यहाँ, चाहे जिसके यहाँ, जिसको आप नीच समझते हो हम नीच नहीं समझते हैं। हमारे मर्यादा, मैं प्रभु श्री राम की धरती से आया हूँ, उन्होंने सबरी के प्रेम में उसकी बेटी से शादी करवाएंगे अपने बेटे की। देखिए शादी का जो मामला होता है वो आपसी, शादी का जो मामला होता है, शादी परस्पर परिवारों के मिलने से, जो आपसी तालमेल से अगर शादी होती है तो कोई बुराई नहीं। कोई बुराई आप बता रहे नहीं है, लेकिन हकीकत में तो आप जमीनी तौर पे करते हैं। देखिए कितना, एक बात बताइए, कितना शर्मा जी ने दलित समाज से शादी करवाई अपनी बेटी की, कितना मिश्रा जी ने शादी करवाई। पहले आप ये देखिए, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो अपन में ही बटा हुआ है। जो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग है वो अपने में ही कैटेगरी बांट के बैठे हैं, वहाँ शादी नहीं करते हैं। आप एससी एसटी ओबीसी का यहाँ पे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो मोदी एससी एसटी की भी बात कर रहा हूँ उस पर आपने कोई प्रश्न नहीं किया। मैं एससी एसटी ओबीसी पे ही आ रही हूँ, एसटी एक्ट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एससी एसटी, ओबीसी नहीं आएगा? ओबीसी भी आएगा, ओबीसी नहीं आएगा, आरक्षण की बात आएगी तो ओबीसी भी आएगा। मैं ओबीसी पे भी आ रही हूँ ना, मोदी जी है वो भी ओबीसी से कैटेगरी से है, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भी आप निष्कासित करने की मांग करते हैं। किसने कहा, किसने कहा? जाति से आते हैं, आरक्षण है नहीं। आप अपने मनगढ़ंत मत कीजिए, मनगढ़ंत बना दिया आप, विरोध कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मनगढ़ंत हो गया। हम आपका प्रश्न समझे नहीं, रिपीट कीजिए। मैं कह रही हूँ जितना भी जो ऊंचे पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, राष्ट्रपति हो, ओबीसी। समझ गया, देखिए समझा कि नहीं समझा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपका कहना है बड़े पदों पर अगर कोई एससी ओबीसी एसटी का व्यक्ति चला जाता है तो तथाकथित मनवादी लोग उसका विरोध करते हैं, आपका यही कहना है ना? लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय, इंटेलेक्चुअल समुदाय, जो आज चाहता है कि अगर इसी तरह हम लोग जातियों में लड़ते रहे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। आज अगर आर्थिक उन्नति का मार्ग, अगर तो कमजोर पहले ही हो गया। आ रही हूँ मैं आपके पास, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह यादव है और मेरा गांव है नजफगढ़ के पास, खैरा गांव। और बाबा इतनी उम्र में आप क्या करने आए हैं यहाँ पे आंदोलन? हम ये इसलिए आए हैं कि हमारा तो समय पार हो चुका, मैं भी भारत सरकार से रिटायर हूँ, हमारा समय तो पार हो चुका, लेकिन हमारे जो आने वाले बच्चे हैं ऐसे ऐसे, उनके लिए मैं आया हूँ। कि हमें जाति के उसमें बांट दिया गया और हम किसने बांटा? इन सरकारों ने, हाँ नेताओं ने, और हमें जाति के उसमें बांट करके। तो आप क्यों बट रहे हैं, क्यों दलित के साथ बैठते उठते नहीं है, क्यों खाना नहीं खाने? हम बैठते हैं, हम उनके साथ खाना भी खाते हैं। हाँ। मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं रामायणी आदमी हूँ, मैं भिलनी के उसमें राम ने वहाँ उसके झूठे बेर खाए और तब ब्राह्मण है, मैं यादव कुल से हूँ, यादव कुल से हैं। हाँ और क्या है कि हमारे जो हमें जो बांट दिया गया, राम ने खुद कहा यादव अलग चाहते हैं, अलग चाहते नहीं, 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 हम सबको एक मंच पे, एक पेड़ के नीचे, एक छांव में, झंडे के नीचे लाना चाहते हैं। विरोध क्यों हो रहा है, आपको क्या तकलीफ आ रही है? सदियों से आप लोगों ने इतना खाया, इतना आप लोग उस पे दलित पिछड़े, दलित पिछड़ों पे इतना अत्याचार रहा, शूद्रों पे रहा, और अब भी आपको चैन नहीं। किसने किया मैडम अत्याचार, किसने किया? सरकार करवा रही है आप लोग। हाँ सरकार, सरकारों ने हमें जातिवाद के उसमें बांट दिया और उनको आरक्षण दे के। तो उसको अमल में लाने वाला कौन है? हैं? अमल में लाने वाला कौन है अगर वो बांट रहे हैं? अमल में लाने वाले, अमल में वो लिवाएंगे, पहले सरकार लाएगी अमल में और तो अमल में हम लाएंगे फिर। आपने कहा कि सरकारें बांट रही हैं, सरकारें बांट रही है, सरकार अगर ये कर रही है तो अमल में कौन लाया? बांटने का काम आप लोगों ने भी तो किया। नहीं किया, ये हमारे, ये उनकी सोच है जो इस तरह के काम करते हैं। तो ये आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है ये बताइए? आरक्षण आप तो EWS आपको मिल जा रहा है, जनरल कैटेगरी को इतना अच्छा खासा पहन रहा है, खा रहा है, ओढ़ रहा है, तब भी आपको 10% आरक्षण चाहिए? नहीं 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 हो रहा है। सुदामा कोटा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? चाहिए आपको है? चाहिए आपको सुदामा? नहीं, हम कहते हैं जातिगत आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए, आरक्षण कौन दे रहा है? कोटा खत्म करो,
आरक्षण खत्म करो। नहीं, आरक्षण से आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये हो रही है कि अच्छा खासा दलित पिछड़े समाज से आकर के वो पढ़ रहा है, अच्छे कॉलेज में चला जा रहा है या फिर बाहर विदेश बाहर पढ़ने चला जा रहा है, अच्छी पोस्ट पे बैठ जा रहा है, प्रोफेसर बन जा रहा है, डॉक्टर बन जा रहा है, तो ये तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो है जो 90% नंबर लेने वाले हैं उनको फेंक दिया जाता पीछे। कहाँ फेंक दिया जा रहा है? बिल्कुल फेंक दिया जा रहा है। कहाँ फेंक दिया जा रहा है? परसेंट वाले बेटे के 95% मार्क्स है लेकिन नौकरी नहीं मिली, क्या करें बताओ? 95% मार्क है तो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी कौन छीन के बैठा? बेरोजगारी कैसे हो रही है? नौकरी कंपटीशन में वो रिजर्वेशन वाले ले जाते हैं। रिजर्वेशन वाला कितना बैठा हुआ है बड़े बड़े ऊंचे पदों पे, इतना बताइए आप? बहुत बैठे हुए हैं। कहाँ बैठा हुआ है? तो सारे अधिकारी एससी मिश्रा है। त्यागी और शर्मा जी बैठे हुए हैं। आपके यूपी में हो गए, हमारे इधर तो नहीं है। यूपी में पंजाब में है, हमारे तो नहीं है इधर। अच्छा, हाँ, तो इतना जो ऊंची जाति पे ब्राह्मण लोग जो बैठा हुआ है वो कैसे पद पे बैठा हुआ है? बैठा हुआ है। और एक बात बताइए, ये प्रोफेसर की जो भर्तियां हो रही हैं एससी एसटी कोटा, वहाँ खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर भर्तियां क्यों नहीं दिखती है, भरी जा रही है? एक ये बताओ, जनरल कैटेगरी में सिर्फ एक ब्राह्मण ही आता और कोई नहीं आता? मैं बता तो रही हूँ, और कोई नहीं आता। बताया तो मैंने, जितने भी तो आए हुए हैं वो भी तो मांग रहे हैं, दूसरे भी तो मांग रहे हैं आप लोग, दूसरे भी तो कह रहे हैं इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने इतना, सिख लोग आए, सरदार लोग आए पंजाब से, आप लोगों ने लोग आए हैं, ये यादव जी आए हैं, ये दूसरे आए हैं, तो वो भी तो कह रहे हैं आप ब्राह्मण ब्राह्मण करे जा रहे हो, क्या आपके ब्राह्मण दिमाग में फिट? ऊंची जाति से नहीं है हैं? ऊंची जाति से नहीं। मैं ऊंची नीची नहीं जानता, मैं तो बचपन से कभी जाति बाती चक्कर में नहीं पड़ा, ना मुझे पता ऊंची क्या होती है नीची क्या होती है। ऊंची नीची नहीं जानते हैं, तो आरक्षण कैसे हो जा रहा है? हम उस आरक्षण का विरोध कैसे हो जा रहा है? अगर हमारी प्रतिभाओं को मारा जा रहा है, आपकी प्रतिभाएं मारी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, दलित को तो आप आगे बढ़ने नहीं देते, पीछे आगे आने नहीं देते। कहाँ रोका है दलित को? कोई रोकता, पढ़ाई लिखाई करता है। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ? वो कॉलेज में पढ़ रहा था, उसको वहाँ पर सीट नहीं दी, हॉस्टल में बैठने नहीं दिया गया, क्या था वो? सीट तो मेरे बेटे को भी नहीं दी, तो फिर क्या क्या हुआ? रोहित वेमुला अगर वहाँ रह रहा था एससी कैटेगरी से, अब कोई सुसाइड करे तो पायल तांडवी जो थी वो डॉक्टर थी, उसको प्रताड़ित किया गया, वो आत्महत्या कर ली गई। देखिए ऐसा है, मैं जो पॉइंट है उसको उस पर जाता हूँ, क्योंकि आरक्षण जो है, मैं ये कहता हूँ आरक्षण किसी को ना दिया जाए। ये क्यों नहीं दिया जाए? ये आर्थिक वो देख करके दिया जाए। आर्थिक इतना सूची बनाई नहीं, शुरू से जातिगत आधार पर ही जो है आरक्षण दिया जाता है। जाति पाती जाति नहीं मानते, कुल धर्म जाति नहीं मानते ना, मुझे मैं नहीं मानता। तो रोटी बेटी का नाता करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको बेटी बोल रहा हूँ, तो बेटी और रोटी का तो नाता रहेगा। बेटी से शादी, दलित की बेटी से शादी करवाएंगे अपनी बेटे की? मेरा बेटा होता तो करवा देता। हाँ मैं खाऊंगा खाना, मुझे खिलाओ, मैं दलितों के साथ में खाना खाऊंगा बिल्कुल। और दलितों को, मैं दलित नहीं है वो, हम सब इंसान हैं, हम एक ही रास्ते से आए हैं। बांट रहा है ये सरकारें बांट रही है, तो सरकारें बांट रही है, तो आप लोग तो यहाँ पे चंद लोग आकर के चिल्ला रहे हैं, आपको कोटा भी चाहिए, आप आरक्षण का विरोध भी करते हैं। कोटा नहीं चाहिए हमें, ईडब्ल्यूएस क्या है ये? कोटा नहीं चाहिए हमें, और हमें चाहिए खाली ये। कौन दे रहा है ईडब्ल्यूएस? जबरदस्ती थोपा जा रहा है। नहीं, हमने कभी किसी कोटे के हक में नहीं है, हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जो असली गरीब है उसको मिलना चाहिए, ना कि आईएएस एससी एसटी एससी एसटी जो है, हाँ। जो शोषित पिछड़ित वंचित लोग हैं, हाँ। वो कहाँ से आर्थिक आधार पर मजबूत है? वो आर्थिक आधार पर मजबूत है? 70 साल में आरक्षण लेके कितने जो दलित भाई हैं वो स्वर्ण बने हैं, एक बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, जो उनसे सवाल करेंगे आप उल्टा, हाँ, मुझसे सवाल करेंगे, एक आधा बताओ बंदा वो जो ऊंचा हो गया वो आरक्षण से, जब ऊंचा नहीं हो रहा तो फिर इसका फायदा क्या? आरक्षण से प्रोफेसर बन जा रहा है, डॉक्टर बन जा रहा है, ये ऊंचा नहीं है क्या? जब कोई ऊंचा ही नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या है इसका? टीना डाबी किस जाति से थी? आईएएस नहीं बनी? हाँ बनी है, तो लेकिन उसको ऊंचा कहाँ माना है? वो ऊंचा तो नहीं बनी ना, आप लोग नहीं मानते ना? नहीं हम तो मानते हैं, आपकी मानसिकता आ गई ना सामने? नहीं हम मानते हैं, लेकिन आपने उसको अपने आप को उसने कहा कि मैं ऊंचा ही बन गई हूँ, ये कहा है तो बताओ, आप लोग मानते हैं? कम एक तो मानना, हम तो उसको ऊंचा मानते हैं। आगे बढ़ने दे, हमारे इलाके में आएगा तो हम पूरा सम्मान देंगे। आप लोग एक बात बताइए कि जातिगत आधार पे जो है इतना हमारे जो यूपी में इतना शोषण, नहीं दलित नेता आते हैं तो क्या हम उनका सम्मान नहीं करते?
इधर करो बेटा, सम्मान करते हैं, सम्मान नेताओं की छोड़िए ना, जाके बस्तियों में देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। अभी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, क्या हुआ, दो दलित बेटियों को गला रेत कर मार दिया गया। किसने किया? और सुनिए, और सुनिए, सहर बोलो ना, जिन्होंने किया बोलो। बीजेपी का नेता था, हाँ तो बीजेपी का था, तो उसके लिए बीजेपी का नेता था ना, तो वही तो बड़ा आदमी था बीजेपी बड़ा। मैं तो वही बोल रही हूँ, दलित की कह रहे हैं ना कि घर में जाए खाना क्यों नहीं खाते, जो आपने सवाल किया है तो एक बात, अभी जो आप बोल रहे हैं उत्तराखंड में, अभी एक मिनट, उत्तराखंड में आप बोल रहे हैं कि जो हुआ, गरीब बेटी थी, हाँ किसकी थी, गरीब बेटी थी वो भी, गरीब थी, मैं तो वो भी बता रही हूँ, रेप करने वाला कोई भी हो, जाति धर्म नहीं देखी जाती रेप करने वाले की, और चाहे मर्डर करने वाले की, कोई जाति धर्म होती है क्या किसी क्राइम करने वाले, तो वो कौन निकल के आया, तो कौन निकल के आया, वो बीजेपी का नेता था, वो नेता का बेटा था, तो उसके लिए आप लोग लड़े हैं, सड़कों पे आए, सड़कों पे क्यों नहीं आए, उत्तराखंड की पब्लिक देखी आपने कितना आक्रोश था। एक बात बताइए, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, सहारनपुर में जो लड़की, ये आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता, नहीं पता चलता, दलितों का आपको मालूम ही नहीं चलता, दलितों का अच्छा, दलितों का आपको मालूम ही नहीं चलता। सहारनपुर में 12 साल की लड़की के साथ रेप करके उसे जला दिया गया, ये पता चला आपको? हाँ, ये लास्ट टाइम की न्यूज है, पर किस लास्ट टाइम की है, पिछले महीने के, शायद पिछले महीने की है, अभी कभी में हुई है, अभी रुकी है, दो दिन पहले तो गया पिछला महीना। उसके लिए कितना आप रोडों पे आए, कितना रोडों पे आए, रोडों पे आने के बाद, तो भाई मेघवाल के लिए आप कितना रोडों पे, एक बात बताऊंगा आपको, सुनिए, रोडों पे आने की बात बोल रहे हो ना आप, रोडों पे तो हर छोटी छोटी चीज के लिए रोडों पे आएंगे, अब एक बात, रोडों पे आए थे, मामला तो आप सिर्फ वही उठाते हैं ना, रेप केस के लिए भी रोडों पे आए थे, बंदों ने ये बोला फांसी देनी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ लागू, आप ये बताइए लागू क्यों नहीं हुआ, कौन सा कि रेप केस जो करता है उनको फांसी देनी चाहिए, वो अभी तक लागू क्यों नहीं, तो क्यों नहीं? रेपिस्ट को फांसी दी गई है, ये बताइए ना आप, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। हर 24 घंटे में एक रेप होता है, नहीं होता तो आप बता दीजिए। हाँ होता है, लेकिन सजा नहीं मिलती, लेकिन आप उन बस्तियों में जाके देखिए कि हर अमीर करता है, गरीब भी करता है ये काम, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो जातिगत आता है, जातिगत नहीं है हमारे लिए है कि सबको एक करो, अब देखिए आप दलित में भी हैं, दलित भी अमीर है, ये मन, ये अच्छा सब सब छोड़िए, आप ये बताइए न्यू अशोकनगर में जो हुआ, वो दलित समाज से आता है, और जाटव और गुजरों ने उनको पीट दिया, वकील है वो। मैं आप एक चीज पूछा, जो मेरा सवाल पूछो ना, आप मेरे से सवाल करेंगे, वो भी मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप भी मेरे से सवाल कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए आप मुझे, एक मिनट रुकिए कहा बाबा, कहा का मुद्दा है, देखो आरक्षण का मुद्दा है हमारा, तो हम तो आरक्षण पर सवाल बोलेंगे, इसमें आरक्षण आरक्षण से और भी सवाल तो खुलते हैं ना, उस पर जवाब नहीं देंगे, क्या बताइए, सारे दलित गरीब हैं, एक बात बताइए, दलित गरीब नहीं है, सारे हैं, अरे सारे नहीं है तो सारे क्या? किसान अमीर है, नहीं, सारे किसान ओडी में घूमते हैं, बताइए, ये बताइए आप, सारे किसान ओडी में घूमते हैं, सारे किसान गरीब है, दलित किसानों के अगर कोई नहीं है, कभी किसानों किसी ने, दलित गरीब है, दलित गरीब है, सारे गरीब नहीं है, सारे नहीं है, तो सारे किसान अमीर नहीं है, सारे जाट भी अमीर नहीं है, सारे ब्राह्मण भी अमीर नहीं है, सारे है, किसने बोला है, किस कौन ब्राह्मण ओडी में घूम रहा है, मेरे को 1000 ब्राह्मण एक गांव में चलना, एक बात बता, ब्राह्मण तो जाके मंदिर में घंटी बजा के कमा लेगा, दलित कहता है, कौन कहता है मैं क्यों मंदिर जाऊं, मंदिर क्यों, फिर कैसे कमाई होगी, मैं कहां मंदिर जाऊं, कमाई कैसे होगी मंदिर की, कमाई उसी कमा रहे हैं ना, कमाई हो रही है, तो फिर 100 ब्राह्मणों में से 10 ब्राह्मण पंडित उसे मंदिर में मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, कई ब्राह्मण भी ऐसे, कई जाट भी ऐसे हैं, हम जाट है इसलिए बता रहा हूँ, सारे किसान एक से नहीं है, हर एक के पास 100-100 किले जमीन नहीं है, किसी के पास एक किला उस पे दाम पे लेकर कोटा मिल रहा है 20-20 रुपए किलो गेहूं में, दिलाओ हमारे गेहूं की कीमत नहीं, उनको 20-20 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, उनको मिल रहा है 5 किलो राशन में, देख रहे हैं कितना क्या मिल रहा है, 5 किलो राशन का, 5 किलो राशन का खुलासा हुआ है, 5 किलो राशन घोटाले का खुलासा हुआ है, ये पता है, आंकड़े पड़े हैं, आपकी सरकार ने कौन कर रहा है, अधिकारी कर रहे हैं, अधिकार कौन बैठा है, मैंने इतनी जगह देख ली, सारी जगह अधिकतर ऊपर पावे एससीबीसी वाले अधिकार, और सारे खा है घोटाले कर रहे, वो बात है, जो घोटाले करते हैं वो अपर कास्ट है, बिल्कुल है, जो घोटाले कर रहे हैं वो अपर ही कास्ट है, नीचे कास्ट का काम होता है, अच्छा अभी आपने राशन घोटाला कहा है, बताइए किस कौन सा अधिकारी पकड़ा गया और कौन था, तो कहाँ से पकड़े जाएंगे भाई, आप ही लोगों के सब बैठे हुए, कैसे बताइए, आप ही लोगों के सब बैठे हुए, अच्छा आप ये बताइए, एक मिनट, बड़े भाई एससीबीसी को 3 नौकरी मिल रही, एक बात, एससीबीसी को 3 नौकरी मिली तो वो कहाँ जा रहे हैं भाई,
उनको इतनी नौकरी मिल रही है, इतने कम मिल रही है ऐसी भी सवाल होगा। ये हमारे बच्चे 235 नंबर लेके फेल है, फेल है भाई, उनके 100 नंबर भी पास है, नौकरी मिल रही है, काबिलियत क्यों नहीं 235 वाला, काबिलियत काबिलियत कौन रखेगा जो 120 में से 100 नंबर ला रहा है या जो 120 में से 70 ला रहा है, काबिलियत किसके पास है? एक मिनट, नहीं जो यूपीएससी जो नहीं जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण के आधार पे मिल जाता है, जो यूपीएससी आरक्षण के आधार पे उनको नौकरी मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती? काबिलियत नहीं है उनमें, पढ़ने जा रहा है, आपको तकलीफ हो जाती है कि पढ़ने कैसे जा रहा है? नहीं नहीं, हमारे साथ अभी मैं वैन में आ रहा था ओला कैब में, उसमें एक सिंह था, मैंने उससे कास्ट नहीं पूछी, उसके उधर ड्राइवर नेम लिखा रहा था, मैंने उससे कास्ट नहीं पूछी, कोई मैं खा नहीं पाता। मेरा नाम शुभम शर्मा है, शर्मा जी है, शर्मा जी से ये मत लगा कि पुजारी बन गए सारे, सारे पुजारी नहीं होते, एससी एसटी वाले सभी लोग यही कहते हैं कि जो शर्मा लोग हैं तो पुजारी से खाते हैं, सिर्फ पूजा पाठ आपको बता देते हैं कि जो पूजा पाठ जो सरकार भी ना मंदिरों से भी चलती है, मंदिरों से बहुत बड़े बड़े लेवल पे चंदा जाता है, उस पर क्यों नहीं बोला जाता आप पे? हम तो बोल रहे हैं ना, क्यों चंदा दे रहे हैं, क्यों आप लोग वहाँ दान पेटी और ये सब पात्र रखते हैं, क्यों रखते हैं? मैंने रखा, बंद करिए उसे, बिल्कुल सरकार रखवाती है, आप पूछिए, स्लिप कटती है सरकार उसमें से टैक्स लेती है, क्यों लगाया जा रहा फिर आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? नहीं उसका भी विरोध है, कहाँ विरोध कर रहा है, आरक्षण का विरोध? मैं तो बोल रहा हूँ, क्या उम्र है आपकी? मैं तो मेरी उम्र 22 साल है, शादी हो गई? नहीं हुई है। किसी दलित से शादी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बताइए, बिल्कुल करेंगे, और बताइए, अरे रहने दीजिए, कैमरा पे बोल रहे हैं, कैमरा पे बोल रहा हूँ, मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ कि मैं एक दलित लड़की हूँ। इनका नाम नोट करिए और इनसे पूछेंगे जरूर कि आप शादी करेंगे किसी दलित? बिल्कुल, आप मेरा नाम भी मेरा नंबर भी लिखिए, किसी दलित के घर में खाना खाएंगे? नहीं करी, तो असली शर्मा जी नहीं है? असली शर्मा जी, मैं हिंदू भी नहीं हूँ, बताइए, मुझे फांसी की सजा दे दी जाए अगर, और मैं आपके कहता हूँ सिर्फ मेरी शादी से अगर आरक्षण या फिर, अरे सुन लीजिए, अगर मेरी शादी से